आर द रेगुलर वर्ब्स एंड दिस इज द इरेगुलर वर्ब्स लाइक मतलब इन दोनों की जो एंडिंग्स रहती है हमेशा सेम रहती हैं यूजुअली इसमें अः uh, मतलब और जितने भी वर्ब्स होते हैं ई आर और आई आर वो सारे सेम पैटर्न से कॉन्जुगेट होंगे और बट आर ई जो होती है वो इरेगुलर रहती है ठीक थी है थीके? तो मतलब की इसकी हर वर्ब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉन्जुगेट होती है ओके सो लेट्स स्टार्ट आई आर ग्रुप ऑफ वर्ब इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ब राइट ऑल हुज इन Just, मैंने बताया था कि जो वर्ब जो होती है राइट ई आर ग्रुप में आले वर्ब जो थी ए एल एल ई आर मीन्स टू गो सिर्फ एक वो एक्सेप्शन थी ई ER आर में बट इन आई आर वी हैव नो एक्सेप्शन राइट इट्स रेडिकल कैसे इसका रेडिकल कैसे बनता है जैसे ई ER आर जो था उसमें ई आर रिमूव होकर सिमिलरली इसके इंफिनेटिव में से हम लोग आर रिमूव करते हैं राइट आई आर से होती है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल इट इज दर्ब फिनीर विच मीन्स टू फिनिश राइट इट इज दिटिव फॉर्म सो विल टेक दर एंड दिस आर राइट एंड द रिमेनिंग पार्ट एफ आई एन आई फिनी इज गोइंग टू बिकम इट्स रेडिकल राइट सो इस तरीके से uh, आई आर ग्रुप का रेडिकल बनता है अब इस रेडिकल में जो हमारा रेडिकल तैयार हुआ है उसके uh, में इन सब्जेक्ट नाउ प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ये uh, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग हर सब्जेक्ट नाम के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंडिंग रहती है तो इस रेडिकल में उस सब्जेक्ट प्रोनाउन में ये वाली एंडिंग्स लग जाएंगी राइट सो द एंडिंग्स आर फॉर र विल ऐड एस ट्यू एस इल और एल बोथ विल इन बोथ द केसेस विल ऐड uh, टी इन नू विल ऐड एस एस ओ एन एस इन वो विल ऐड एस एस ई जेड इन इल और Or in both cases, will use ssent, right? We'll take this verb, this radical form, and add these endings according to the subject pronouns, right? Like, for example, let's take an example. For example, let's take the verb finir, which means to finish. तो हमने इसमें वही किया रेडिकल फिनी बिली फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल कैसे होने का आर रिमूव किया जो पार्ट बचा फिनी दैट इज द रेडिकल सारे में हमने फिनी लिख दिया राइट एंड देन वी हैव एडेड द एंडिंग्स एस एस टी एस एस ओ एन एस 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 ई जेड एस एस ई एन टी राइट सो इट विल बिकम जो फिनी त्यू इल्फिनी एल फिनिजो नू नू फिनिजो वू फिनिजे राइट इसको हम इसकी तरह ही प्रोनाउंस करते हैं राइट इट दिस मीन्स आई फिनिश यू फिनिश ही फिनिशेज और इट कुछ भी आ सकता है शी फिनिश वी फिनिश यू फिनिश दे फिनिश दिस इज फॉर द मैस्कुलिन एंड दिस इज फॉर द फेमिलन कोई सा भी यूज करो दोनों सेम ही है एक तरह से कोई तो फर्क नहीं है इनकी कॉन्जुकेशन में बट फिर भी दे फिनिश फॉर द फेमिलन राइट सो आई आर वर्ब्स की कॉन्जुकेशन लेट्स रिवाइज अगेन सबसे फर्स्ट स्टेप रिमूव आर द रिमेनिंग पार्ट विल बी इट्स रेडिकल रेडिकल में हम लोग को एंडिंग ऐड करनी है एस एस टी एस एस ओ एन एस 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 ई जेड एस एस ई एन टी राइट दैट्स हाउ वी दी आई आर वर्क एंड दिस इज दी वर्क शुआज़ीर टू चूज यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन जस्ट टू प्रैक्टिस आई गिवन वन वर्क राइट सो ये भी इसी तरीके से सेम तरीके से फॉर्म होगी बाकी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जस्ट एक वर्ब प्रैक्टिस के लिए राइट सो विल मीट इन अर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू